क्या सूरज जो है वो अंतरिक्ष से कैसा दिखता है, पीला कलर के दिखता है, एप्पल कंपनी का जो आईफोन है वो उसका प्रोसेसर कौन कंपनी बनाता है, इन सभी का जानकारी आपको वीडियो के लास्ट तक मिलेगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, सारे का सारे इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आपने कभी अनुमान लगाए हुए हैं कि जो एप्पल कंपनी है वह एप्पल कंपनी का जो आईफोन आता है मोबाइल, उस मोबाइल का प्रोसेसर क्या एप्पल कंपनी खुद बनाता है? आप जानकर चौंक जाएंगे। जी नहीं, एप्पल कंपनी यानी कि एप्पल का आईफोन जो होता है उसका प्रोसेसर सैमसंग कंपनी द्वारा, सारे जो प्रोसेसर बनता है आईफोन का वह सैमसंग कंपनी ही बनाता है, सारे के सारे प्रोसेसर। दोस्तों का आपने कभी अनुमान लगाए हुए हैं कि जो बादल यानी कि आकाश में सारे के सारे बादल चलते हैं उसका कोई वजन होगा या नहीं होगा? आप लोग हम लोग कहे जाते हैं कि उसका कोई वजन नहीं होता होगा, लेकिन वजन उससे प्रमाणित किया गया है। कैसे किया गया? साइंटिस्ट यानी कि साइंटिस्ट लोग ने बताए हुए है कि बादल में वजन होता है। इसलिए वजन होता है कि अगर बादल में वजन नहीं होता, बारिश नहीं होता, जैसे कि बारिश होता है लेकिन हमेशा वजन नहीं होता है, उसका वजन कभी अधिक होता है कभी कम होता है। जैसे कि कहा जाता है कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि कार आपके पास है, कार के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लेना है या आप ड्राइवर बनना चाहते हैं कार का, जैसे कि टैक्सी वगैरह का होता है, तो आपको इंडिया में नियम नहीं है कि आपसे पूछा जाएगा कि कितना गली आप जानते हैं। जैसे कहीं से आप कहीं जा रहे हैं तो उसके बीच में कितना गली आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन लंदन में 25,000 से लेकर 50,000 तक गलियों को रूटों को बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, क्योंकि वहां पर टेस्ट में पूछा जाएगा कि यहां से लेकर यहां तक के बीच में कितने गली पर। दोस्तों आपने कितने बार खून दिए हुए हैं यानी कि रक्तदान दिए हुए हैं? आप जानकर चौंक जाएंगे कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कि 10,000 खून यानी कि 10,000 रक्त दान देकर वह 24,00,000 बच्चे यानी कि जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं उनको, वह 24,00,000 बच्चे को अपने ओनली वन 10,000 रक्त देने से वह जीवित कर रहे हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है जेम्स, यानी कि जेम्स हारिओन, हारिसोन नाम है, जेम्स हारिसोन, जो कि उतने बच्चे को जान बचाए, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक निवासी। दोस्तों एक इंसान के जो आंख होता है उस आंख कितने बार यानी कि किन किन कलरों को पहचान कर बता सकता है कि यह कलर, जैसे कि कोई नीला कलर है नीला कलर कहेगा, ब्लू है ब्लू कलर कहेगा, लेकिन और कितने कलर को पहचान कर बता सकता है? लगभग 10,00,000 यानी कि 10,00,000 को रंगों को पहचान कर बता सकता है कि यह कलर ऐसा है और यह कलर ऐसा है, लगभग 10,00,000 कलर को। दोस्तों एक इंसान का जो दिल होता है वह एक दिन के अंतर्गत कितना बार धड़कता है? जैसे कि धड़कन होता है दिल का धड़कन, वह एक मिनट के अंतर्गत 72 बार धड़कता है, यह बात फैक्ट है। लेकिन एक दिन के अंतर्गत आपने कितने बार अनुमान लगाए हुए कि वो धड़कता है? आप जानकर चौंक जाएंगे, ओ माई गॉड, इतने बार। जी हाँ, वह 1,00,000 यानी कि लगभग 1,00,000 के करीब एक दिन के अंतर्गत मेरा दिल धड़कता हुआ रहता है इंसान। दोस्तों एक इंसान का जो अंगुली होता है यानी कि जैसे कि 5 अंगुली है और पैर का भी अंगुली है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में तेजी में 4 गुना हाथ का अंगुली बढ़ता है, यानी कि हाथ का अंगुली का नाखून, ना उंगली नहीं नाखून बढ़ता है, लेकिन नाखून जो बढ़ता है क्या 5 अंगुली का समान प्रक्रिया बढ़ता है, यानी कि समान उसका जो साइज होता है नाखून का बढ़ता है? नहीं, सब उंगली का अलग अलग समय पर बढ़ता है, कोई धीमे बढ़ता है, कोई थोड़ा उससे धीमे, कोई थोड़ा उससे धीमे बढ़ता है। दोस्तों आपने कभी सुना हुआ है कि कौन या ऐसा व्यक्ति है जो कि बिना नंबर प्लेट को आज गाड़ी चलाता है? आज तक कोई सरकार का नियम नहीं है कि बिना आप नंबर प्लेट का गाड़ी चला सकते हैं। आप लोग कहेंगे कि नए में चला सकते हैं, जी हाँ, लेकिन कितने दिन? 1 से 2 महीने करीब, उससे अधिक दिन नहीं चला सकते। लेकिन एप्पल कंपनी का जो CEO हुए, फाउंडर हुए, जिनका नाम है स्टीव जॉब्स, वह जो कि 6 महीने तक आप नए गाड़ी लेने पर उससे बिना नंबर प्लेट का चला सकते हैं, और वह हमेशा करते रहते हैं प्रत्येक 6 महीने पर, इसलिए उनका नंबर प्लेट अब तक नहीं चला है। तो जैसे कि सूरज हम लोग देखते हैं पृथ्वी से तो दिखता है पीला यानी कि हल्का लाल टाइप का दिखता हुआ हमको नजर आता है, लेकिन अगर आप कहाँ से देखेंगे सूरज को तो पूर्ण रूप से सफेद, जैसे कि आकाश दिखता है सफेद, आप लोग नीला दिखता है, लेकिन नहीं, जब यानी कि जब 12 बजता है समय, दोपहर का समय होता है, उसमें पूर्ण रूप से सफेद दिखता है। उसी प्रकार से सूरज अगर आप अंतरिक्ष में जाकर देखते हैं तो पूर्ण रूप से सफेद दिखेगा, लगेगा ही नहीं कि वह सूरज दिख रहा है। सूरज इसलिए दिखेगा क्योंकि अंतरिक्ष में पूर्ण रूप से चारों तरफ काला दिखेगा और जो सूरज है वह केवल सफेद दिखेगा। तो जैसे कि कहा जाता है कि चेस
अब चेस खेल क्या होता है, किन लोग बहुत लोगों को पता नहीं होगा। चेस खेल उसे कहते हैं जो कि शतरंज होता है, जैसे कि बहुत पुराने जमाने में शतरंज अधिक राजा महाराज वो लोग खेलते थे, लेकिन आज के जमाने में भी खेला जाता है, लेकिन उतना आपको देखने का नहीं मिलता होगा। लेकिन पूर्ण से बताता हूँ कि चेस का जो शुरुआत पहली बार कहाँ हुआ, शतरंज का खेल का शुरुआत पहली बार भारत देश यानी कि इंडिया में सबसे पहले शतरंज खेलने का शुरुआत हुआ। ऐसा ही मेरे अगले मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर लें।